करने के बाद तब उस प्रेत का उद्धार होता है। और ये बहुत पहले से चला रहे हैं, महाभारत काल से चला रहे हैं, और उससे भी पहले से गया जी हमारे पास है जो हमारे पितरों का उद्धार करती है, जहां हम उनके पिंड और श्राद्ध दान करके आते हैं। हम चीजों को नकार नहीं सकते। हाँ, कोई कहता है कि प्रेत नहीं होते तो वो खाली डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में ले जाए, तब अगर एक दिन में 1000 मरीज है ना तो 5 को ठीक करके नहीं आए ना बिल्कुल पूर्ण रूप से, तो मेरा नाम मनु भैया नहीं है ना। साथ साथ करके दिखाऊंगा पूरी टीम के अंदर, पूरी टीम के साथ। कल आप विचलित थे ना? हाँ जी, आप ही तो थे जो बार बार मेरे पास आ रहे थे। दरअसल मैं सुलभ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ऐसे छू लेता हूँ तुम्हें। आगे ना सुनो तो तब ये होता है। 11 रुपए का उतारा कोई भी कर सकता है, 1 रुपए का भी कर सकता है, 1.25 रुपए का भी कर सकता है। मैंने करके दिखा रखे, हमारी माताएं बहने ऐसे ही हमारे ऊपर से नमक मिर्ची और क्या कहते हैं ये नहीं वारते थे, ऐसे ही हमारे ऊपर से बाती नहीं वारती थी, ऐसे ही 1.25 रुपया वार के नहीं रखती थी, ऐसे 11 रुपए वार के नहीं रखती थी, इससे कुछ होता होगा तभी तो वारती थी। बोलो हाँ के ना। तो इसलिए हमारी परंपराएं सनातनीय है, और कोई भी आदमी एक आदमी बताए, एक कोई समाज बताए जो इस गुंडे के खिलाफ खड़ा हुआ हो, इसके साथ खड़ा हुआ हो, ये कहने के लिए कि नहीं भाई ये ठीक है, ये कदापि ठीक नहीं था, इसने केवल लोगों को बहकाया है। और ये करौली कानपुर में बैठ के इसने जो लोगों को सब बात दिखाया, और एक बात ये अभी केवल इन 10-20 आदमियों पर करके दिखाया है, कितने भी आदमियों पर एक साथ किया जा सकता है, लेकिन फिर ऐसे सब ऐसे दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी काम करने में समय तो लगता है ना। अभी हमारा कितना समय हुआ इस वीडियो को बनाने में? 50 मिनट करीब हो गया, 50 मिनट के लगभग, यानी कि 1 घंटा हमारा लग गया, और हमें इतना समय कम होता है, लेकिन ये हमने न्यूज वालों को दिखाया है कि वो सारे न्यूज वाले जो चैनल है वो देख ले कि आदमी को कोई भी ठीक कर सकता है। ये तरंग है, ये शब्दों की तरंग है, ये शब्द शक्ति है, इसका प्रमाण ये मंत्र शक्ति है, इसका दुनिया में कोई टाल नहीं सकता, इससे बहुत काम रोके जा सकते हैं, आपके व्यापार तक बंद किए जा सकते हैं, आपकी मानसिकता को चुनौती दी जा सकती है, आपको अपना श्राप लगाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा आज तक मनु भैया को जिसने ललकारा है वो वैसे ही चला गया, मैंने श्राप भी नहीं दिया किसी को, वैसे ही चला गया, क्योंकि जिन पे देव कृपा होती है उनकी देव कृपा उनका संरक्षण भी करती है। क्या करती है? संरक्षण भी करती है। मैंने कई उदाहरण आपको बताए थे, तो इसलिए भगवान की शरण में रहे, प्रबुद्ध हो, और किसी ऐसे जालसाज की शरण में ना जाए जिससे आप ठगे जाए, लूटे जाए, आपके घर की पूंजी खत्म हो जाए। एक एक आदमी 10-10 लाख रुपए दे के आ रहा है अपने परिवार सहित, और ये सोच रहे हैं मेरे चाचा ताऊ सब ठीक हो गए, घर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कुछ मिला नहीं, जब 5000 रुपए दे के सामने खड़े हो रहे हैं तो पूछ रहा है क्या होता है, बोला मैं तो ऐसे क्या ऐसे बीमार हूँ, तो बोला डीएनए में किसी और को शामिल कर लिया होगा, ठीक है तुम्हारे हवन के पुण्य टूट गए, जाओ फिर से हवन करो, आदमी पागल आए ना। तो वो जो शास्त्राना है, वो जो इस तरह से व्यवहार करता है, वो जो इसकी बद जबान है, वो जो गैंडे के समान काल रूप में लोगों को खा रहा है, और जो एक प्रेत के अधिकरण से और प्रेत का एक अधिष्ठान करके जिसने आज तक कभी भक्ति नहीं की, और एक प्रेत के माध्यम से राधा रमन नाम के प्रेत के माध्यम से जो लोगों का जो है खून चूस रहा है, ऐसे करौली शंकर महादेव जो कह रहे हैं उसके गले में नाग टांग देना चाहिए, वो भी उतना जहरीला जिसके दांत ना टूटे हो और जो कभी सपेरे के हाथ में ना आया हो उसके गले में पहना देना चाहिए, जो भगवान बनना चाहता है और जो विष्णु और ब्रह्मा की शक्ति को स्तंभित करता है, जो उनको ऐसी भद्री गालियां देके सुशोभित करता है कि जो हम अपने बच्चों के लिए भी नहीं सुन सकते। हरामजादे की गाली क्या होती है, उसके इंगित उसके इशारे को समझो कि वो भगवान बनना चाहता है, ऐसे भगवान को पहले ही अपने चरणों के नीचे दबा दो और बैठ जाओ उसके ऊपर कि तू सनातन धर्मी नहीं हो सकता, तू सनातन का पुरोधा नहीं हो सकता, तेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती, और तू सनातन था ही नहीं, तूने तो सनातनियों को ही लूट लूट के खाया है, तूने तो हिंदुओं का ही नाश कर दिया सबका, तू तो हमारी व्यवस्था ही मिटाने जा रहा है, तू तो सुश्रुत को ऐसे कह के बोलता है जैसे वे तेरे घर के नौकर है, तू तो धनवंतरी को ऐसे बोलता है जैसे वो तेरे घर के नौकर है, तू ब्रह्मा जी को समझता क्या है जो सृष्टि के उत्पन्न करता है, तू ऐसे बोलता है जैसे उनको गालियां दे के ऐसे बोलता है जैसे वो तेरे अधीन है, सब विष्णु को स्तंभित कर रहा है, ब्रह्मा जी की शक्ति को स्तंभित कर रहा है, ऐसे नीच ऐसे पामर ऐसे धूर्त ऐसे काल नेमी को इस संसार से जड़ के साथ सदा के लिए उखाड़ फेंकना चाहिए, और हमें अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए, ऐसे में विवेक देखना चाहिए, ऐसे में मनु भैया ने सब कुछ करके दिखाया है, संसार के सामने पूरे मेडिकल इतिहास के सामने मैं दुनिया को दिखा सकता हूं
प्रेत है और उससे इतनी बीमारियां होती है कि डॉक्टर से कदापि ठीक नहीं हो सकती। एलोपैथी जगत फ्री में हमारी इलाज करता रहता है, 15-15 साल दवाइयां खिलाता है जिसके हमें अनेक अनेक नुकसान होते हैं। वे लोग 7 से 8 बार में आकर यह शनि धाम में ठीक हो जाते हैं और फ्री में ठीक होते हैं। कैसे ठीक होते हैं? कैसे ठीक होते हैं? मुफ्त में ठीक होते हैं। चाय पी आप लोगों ने? चाय भी पी ली। तालियां बजा दो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। और मैं एक बात बताऊं, हम अभी एक बात और इसमें शामिल हो जाए, हम अभी अपना धाम बना रहे हैं। आपको एक बात का पता नहीं होगा, एक बेचारे भाई ने यहाँ रहकर आज तक जो भी पैसा जोड़ा 3 सालों में 4 सालों में वो हमें दे दिया शनि धाम बनाने के नाम का। उनका नाम है कृष्ण भाई दुकानदार, जो बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे ना, ये हमारे ऊपर कर्ज हो गया, फिर भी हमने सोचा कि कोई बात नहीं, कर्ज हो जाए, हमने अपना मकान बेच दिया अपना धाम बनाने में। लोग ऐसा करते नहीं है कदापि, और मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, मजबूर भी हूँ, यहाँ रहूंगा भी, यही रहूंगा। वहां दूसरा धाम चलेगा तो मैं यहाँ रहूंगा अपने बच्चों के साथ। आगे ना, आपको पता है क्या कहते हैं कि एक आदमी जो इतने लंबे वर्ष से काम कर रहा है उसके पास एक ये प्लाट जुड़ा है, और फिर एक वो लेने में उसकी भी जमीन किसी ने, हमारे मित्र ने दान की है, और उस पे हमने जो बनाया है उस बनाने में हमारा मकान भी गया। इसी से आप आदमी की इनकम देख सकते हो कि उस आदमी की इनकम क्या होगी। आए ना समझ में? लोग कहते हैं मनु भैया धन कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, वो धन दिखता भी है जब धन कमाते हैं। आए, और गाड़ियां तो इसलिए लेनी पड़ती हैं छोटी मोटी की, चलना भी होता है, आना जाना भी होता है। इतना सुख तो मुझे चाहिए जब पूरा दिन मैं बोलता हूँ, और वो सुख के रूप में नहीं भोगता मैं, क्योंकि मैं 24 घंटे उसमें बैठा नहीं रहता, मुझे तो बस आना है यहाँ से और वहां जाना है। और कोई ये गारंटी मिल लेता तो मैं उनको भी बेच के लगा दूंगा कि भैया हम आपको रोज लेके आएंगे, रोज छोड़ के जाएंगे। हाँ ना, तो मैं ये भी बेच दूंगा और वही लगा दूंगा धाम में आपके लिए, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए नेक बनो, शुद्ध बनो, अपने विवेक को जागृत करो, भगवान के होकर रहो, भगवान तुम्हारे, भगवान के प्रणिपात हो जाओ। भगवान ही तुम्हें संभाल सकते हैं, वही तुम्हारे अनंत रोगों का नाश कर सकते हैं। उसका नाम सब रोगों का नाश करने वाला है, वो सूर्य है, वो उसकी किरणें समस्त जगत को क्या कहती है, प्रभावित करती है। उनकी शरण लो, उनकी कृपा लो, तब आपका उद्धार होगा ही होगा। ये मैंने सभी मीडिया कर्मियों को दिखाया और वो यहाँ के कदापि चेक कर सकते हैं। यही क्रिया मैं उनको सबके सामने करके दिखा सकता हूँ कि करौली का जो शंकर महादेव है वो कैसे लोगों को ठगता है, कैसे उनकी भावनाओं के साथ खेलता है। तब मैं अगली बार परशुराम को, अगली बार उन सबको जिसने उनको बुलाया है, और अगली बार मैं कुत्ते की आत्मा से भी बात करके दिखा दूंगा। क्यों? कहने से पहले प्रेत के ये कह देता है तू मौलवी है, इस आदमी की दादी भी किसी मुस्लिम के साथ चली गई थी, और सुनो इसने जो सनातन धर्म को गाली दी है, सभी वकील चेत जाएं कि उन वकीलों को इसके खिलाफ केस करना पड़ेगा, इसने हिंदू धर्म को हाथ किया है। सभी वे संघ वे संस्थाएं चेत जाएं कि जिन्होंने भगवान विष्णु की और ब्रह्मा जी की साधना की और उनको माना है, जो उनके युग में जिए हैं और तपे हैं, उनको इसके खिलाफ केस करना पड़ेगा, क्योंकि हराम जादे और साले की गाली इन्होंने हमारे ईश्वर को दी है। इसने कमीने ने, इस हरामी ने, ये खुद हराम जादा है, इसका पता ही नहीं है, क्योंकि इसकी दादी ही मुसलमान के साथ भाग गई थी, यही नहीं पता इसका ये है क्या क्या नहीं है। मैं इतनी बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन पड़ेगी, और मैं डरता भी नहीं हूं किसी से समाज में, किसी भी रूप में नहीं डरता। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त को भय नहीं होता, वो अभय होता है हमेशा, वो करके दिखाने वाला होता है। मैंने जो आज तक कहा है उसको मैं करके दिखा सकता हूं, ये मेरी बात है, ये मेरी गारंटी है। और तुमने देखा भी आज तक जो कह दिया वो अटल है। अगर किसी को ये कह दिया तू 7 बार में ठीक होगा तो हो गई, क्यों? क्योंकि वो कहलवाने वाला भी भगवान ही होता है। ये सत्य भगवान को मानते हैं वो यहाँ तक मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं वो यहाँ तक मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं वो यहाँ तक मानते हैं। किन किन लोगों को शनि धाम से आराम पड़ा है, हाथ उठाना जरा, दोनों हाथ उठाए अपने, ऐसे सीधे करके सारी दुनिया को दिखा दो, ताकि आंदोलन आ जाए इस संसार में भगवान के नाम लेने का। हाथ नीचे कर रहे, किन किन लोगों ने अंग्रेजी दवाइयां छोड़ दी है लेनी, वो हाथ उठाए अपने दोनों, जिन्होंने अंग्रेजी दवाइयां छोड़ दी है। और हर रोज 2-4, 10 लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ देते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव।